नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बांदा में अतिक्रमण हटाओ अभियान से नाराज व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बांदा जनपद में अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर है। शासन के आदेशानुसार नए एसपी के निर्देश पर प्रशासन व नगर पालिका की संयुक्त टीम एक हफ्ते से रोज अतिक्रमण हटाने में लगी हुई है, जिससे सड़कों का चौड़ीकरण हो सके और आम जनमानस को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रशासन के इस कदम से व्यापार मंडल में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आज व्यापारियों ने बाजार बंद कर कलेक्ट्रेट पहुंचे व प्रदर्शन कर प्रशासन पर अतिक्रमण से पहले हुई मीटिंग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संगीता नाम है और अस्पताल गेट के बगल से दुकान थी, तो जो है वो साफ पुलिस वाले लोग आए, कहने लगे पूरा डिब्बा ही पलटा गए, आज भी पड़ा है, एक तो किनारे रखवा दिए गए, बाकी के सामान पूरा फैला दिया गया। आज से कम से कम 25 दिन हो गए दुकान बंद। आप बच्चे हमारे छोटे छोटे किराए से भी रहते हैं, बताइए हम किराया देंगे कि बच्चों को पालेंगे कि हम ही लोग पालेंगे? इससे अच्छा है कि वहाँ से मार ही डालो, तो वहाँ सबसे अच्छा क्या करे, जिसका कोई एक न कोई अगर, या तो हम कह रहे हैं जगह लेनी हो तो जगह ले लो, अगर कम से कम कुछ उपाय तो बता दीजिए। हमको रोज सुबह आना, शाम के खाना है, बच्चों को खिलाना, अगर वही चारा बंद हो गया तो क्या करें, इसका कोई उपाय बता दे। बस यही हमारा मतलब, उसी पे चलता है साहब। और भाई नहीं चाय नाश्ता सीढ़ी बेचते हैं हम, और का आज हम लोग इसलिए आए हैं कि शासन ने वादा खिलाफी की है। जो मौजूदा समय 12 तारीख को बैठा क्योंकि व्यापार मंडल बढ़ाती है, उन्होंने ये वादा किया था कि हमारी तरफ से जो बिजली का टेलीफोन के जो खंभे, जिनका की भुगतान उखाड़ने के लिए 2 साल पहले नगर पालिका द्वारा भुगतान किया जा चुका, लेकिन 2 साल से आज तक नहीं उखाड़े गए। व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारी जो भूखे मर रहे हैं, उनको आप हटा रहे हो, उनका सामान फेंक रहे हो, उनके साथ बदतमीजी भी कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, हम उसके विरोध में आज कर, हम चाहते हैं कि हमारा बांदा सुंदर साफ सुथरा हो। हम लोग अभी तक ये चाहते भी नहीं कर रहे, लेकिन एक या तो उन्होंने एक तो सिलसिलेवार नहीं करा है, जो 3 बिंदु हैं, एक तो सिलसिलेवार से आप निशान लगाइए कि किसको कहाँ से, एक सीमांकन किसको कहाँ तक रहना है। प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई से कितने व्यापारी लोग प्रभावित हैं? ज्यादातर सभी व्यापारी, 99% व्यापारी से प्रभावित है। दूसरी बात यह कि रिक्शा आना बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल हिटलर साइज से बिल्कुल रिक्शा आएंगे नहीं, कोई पैदल चलने और वृद्ध आ रहा है, 70 साल के बुढ़े आ रहे हैं और सामान लेके जाना चाहते तो कहां तक, कब तक सामान टांग के ले जाएंगे? फुटकर थोक का व्यापार अगर है वहां और वह सामान जाना चाहते वो भी नहीं आने देते, तो इस तरह से आप या तो फिर बाधा उदी आ जाएंगे, खाली इसी की खाली हमें आने जाने की आसानी हो जाए और सारा व्यापार बंद हो जाए, तो इससे कहो कि वैसे देश में बेरोजगारी फैली हुई है और जो लोग हैं और व्यापारी जो है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, कहां तक चलेंगे। पेश है बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।